लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। अलीगढ़ के टप्पल में मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज गौशाला से लेकर विवेकानंद चौराहे तक मार्च निकाला गया और विरोध प्रकट किया गया। इस दौरान नारेबाजी की गई, टिंकल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, टिंकल के हत्यारों को फांसी दो आदि नारे लगाए गए। इस दौरान विद्यार्थी परिषद के रोहित कटारा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि विद्यार्थी परिषद प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार से मांग करता है कि अपराधियों के जो बयान हुए हैं वह पुलिस के सामने हुए हैं, उसे मजिस्ट्रेट के सामने कराए जाएं। दूसरा, अपराधियों पर NSA लगाई गई है, उन पर गैंगस्टर लगवाई जाए। दूसरा, बच्ची के सारे पार्ट निकल चुके थे तो रेप की घटना नहीं आई है, इसलिए दोनों अपराधियों के DNA भी कराए जाएं। वहीं बच्ची का परिवार बहुत गरीब है, उसकी आर्थिक मदद को उचित मुआवजे की मांग भी की जाती है। क्या और क्या क्या मांगे हैं आप? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में स्थापना काल से ही छात्र छात्राओं के लिए कार्यकर्ता हुआ आया है। इसी क्रम में आज विद्यार्थी परिषद समाज के हित में भी कार्यकर्ता है। समाज के क्रम में जो भी घटनाएं होती हैं, चाहे छात्राओं के साथ हो, चाहे छात्रों के साथ हो, चाहे बहनों के साथ, चाहे भाइयों के साथ हो, इसी तरीके से अलीगढ़ के टप्पल में एक घटना सामने आई है। कल 3 साल की बच्ची है जो ट्विंकल, उसके साथ दो मुसलमान दरिंदों ने इसी क्रम तरीके से बलात्कार किया। उसके बाद उसके पुर्जों को निकाला, पुर्जों को निकालने के बाद उसको सड़क पर हाथ पैर काटने का फेंक दिया गया। फेंकने का जब पुलिस ने देखा तो उसको जो विद्यार्थी परिषद एक स्टैंड लेता है, देश के अंदर कहीं भी छात्राओं का काम हो वहाँ पे विद्यार्थी परिषद एक हाईलाइट कर रखने के बाद हत्यारों को फांसी दिलाने की या सजा दिलाने की बात करता है, उसी तरीके से प्रदर्शन करता है। आज विद्यार्थियों ने इसी क्रम को लेकर प्रदर्शन किया। विद्यार्थी परिषद प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से, वर्तमान सरकार उनसे मांग करता है कि अपराधी की जो दोनों बयान हुए हैं, दोनों आरोपियों के जो बयान दिए गए हैं वो पुलिस के सामने दिए गए हैं, उन बयानों को मजिस्ट्रेट के सामने करवाया जाए, क्योंकि पुलिस के सामने जो बयान होते हैं बाद में खारिज करके उनको रिहा कर दिया जाता है। ये दूसरी बात है, उनके ऊपर एक NSA अपराध लगाया गया है। NSA अपराध की जगह गैंगस्टर लगाने के बाद उन पर कार्रवाई की जाए तो सबसे बड़ी बेहतर बात रहेगी। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके पूरे पार्ट निकल चुके थे, पार्ट निकलने के बाद उसमें पूरी घटना रेप की नहीं आई है। आरोपी ने जाके पुलिस वालों से कह दिया मैंने रेप करा, उसके बाद ये काम किया, तो पुलिस ने मान लिया। ये बयान मजिस्ट्रेट के सामने हो, उसके पार्टों की जानकारी न करते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन दोनों जो आरोपी है उनका DNA टेस्ट करा करके, DNA सैंपल जो फॉरेंसिक में जाकर टेस्ट कराया जाए, उसके बाद उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, उस तरीके से बात की जाए। सरकार द्वारा जो ट्विंकल खत्म हुई है उनका एक परिवार बहुत ही गरीब परिवार है, बहुत ही छोटा परिवार है, इसके लिए सरकार से उचित मांग की मांग करता है विद्यार्थी परिषद। इसी क्रम में विद्यार्थी परिषद ने आज ये उत्साह वो मोर्चा निकाला। आपके अपने शहर फिरोजाबाद में बेहतर सुविधाओं के साथ आपका अपना डॉक्टर दयानंद जैन मेमोरियल हॉस्पिटल, यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, सभी प्रकार के रोगों के लिए काय चिकित्सक द्वारा परामर्श उपलब्ध, फोन द्वारा रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध, ऑपरेशन सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा, गर्भपात की सुविधा, कॉल्पोस्कोपी, फ्रीडम 5, कॉपर टी की सुविधा, नेबुलाइजर की सुविधा, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, हिस्टेरेक्टमी सुविधा आदि सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। डॉक्टर बीना जैन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, पूर्व मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, डॉक्टर शिखा जैन, पता जैन नगर फिरोजाबाद, कॉन्टैक्ट नंबर 8439827781।